So, yo, what's up guys, आप सब लोग वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू वीडियो जी डी फाइव एंड रिलीज से पहले कुछ जैसे राम और भाई जैसे कि आपको भाई पता है यार भाई आज की वीडियो में भाई क्या करने वाले भाई टाइटल वगैरह देख के तो भाई थोड़ा बहुत भाई गेस तो हो ही गया होगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ भाई आज की वीडियो में हम भाई बहुत ही ज्यादा ऊपर वाली लेवल की यार मतलब भाई जो भाई सबसे भाई डिमांडेड जॉब है इंजीनियर मैं कब हो गया ये कब हुआ कब सोचो यार भाई जी डी फाइव में आज हम भाई अपने भाई खुद के भाई शोरूम बनाने वाले यार सोच रहे भाई मैं बनाऊंगा शोरूम शकल से भाई सिविल इंजीनियर तो लगता नहीं हूँ लेकिन देखते भाई आज मैं क्या कर सकता हूँ। चलो बढ़ते हैं गेम की तरफ। सो एंड यार गाइस भाई मैं पहले तो ये बताता हूँ भाई मेरे को ये आइडिया आया कहाँ से भाई ये आइडिया भाई मेरे को भाई कुछ यूं तरह आया कि मतलब भाई मैं आज भाई यहाँ पर भाई बीच के रास्ते से गुजर रहा था देख नहीं रहा मैं वीडियो बना रहा हूँ भैंस की अभी तेरे को बोलने का जरूरी है भाग यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ फोकट में देखो भाई और मैंने देखा कि भाई यहाँ पर भाई एक बड़ा सा भाई प्लॉट है वैसे भाई तुम्हारा भाई सिविल इंजीनियर के साथ में बड़ा गैंगस्टर भी है ना। चलो भाई देखो गवर्नमेंट वगैरह तो अपने ऊपर भाई एक्शन लेने से रही इसलिए हमने सोचा कि भाई ये प्लॉट भाई खा लिए क्यों ना भाई यहाँ हम लोग भाई अपना अड्डा जमाए। लेकिन उससे पहले आपको भाई क्या करना है पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठ जाओ या फिर मतलब भाई जो भी है चिप्स वगैरह थोड़े बहुत लेके बैठ जाओ ताकि वीडियो देखने में मजा आए आपको भी। ठीक है मजा तो यहाँ आएगा ही लेकिन ऊपर से और भाई आपको मजा आ जाएगा ना थोड़ा। ठीक है और भाई उससे पहले भाई क्या करो यार भाई फटाफट से अपना लाइक है मैं 1K भाई जितने भी लोग देख रहे हो भाई लाइक मार दो एंड अपने भाई का चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो यार ताकि भाई दूसरी वीडियो आए तो भाई आज सबसे पहले नोटिफिकेशन भाई आप तक आए। ठीक है बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना तभी आएगा। चलो यार भाई 10K अपना गोल है सब्सक्राइबर का वो कंप्लीट करवा दो बस। अभी देखो यार भाई इतने बड़ा प्लॉट है तो ये प्लॉट में हम लोग क्या करते हैं ना भाई यहाँ पर बनाएंगे एक भाई तगड़ा सा शोरूम मतलब क्या ही मजा आएगा। सोचो यार शोरूम भाई ऐसी जगह में भाई मतलब भाई यहाँ से लेके कहाँ मतलब भाई ज़्यादा टाइम तो लगने वाला है भाई टाइम तो भाई फुल लगने वाला है डेडिकेशन भाई फुल चाहिए हम लोगों को उसके लिए भाई आपको भी मतलब भाई थोड़ा तो सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। ठीक है चलो यार अभी भाई अपन लोग क्या करते हैं ना यहाँ अपनी भाई कार भाई स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये भाई कचड़े के डब्बे वगैरह को हटाते हैं यहाँ से। भाई कौन यहाँ पर कचड़े का डब्बा वगैरह रख जाता है भाई कचड़े का डब्बा हटाते इधर से। ओके चलो यार भाई कचड़े का डब्बा वगैरह हमने हटा दिया प्लॉट हो गया पूरी खाली। अभी यहाँ पर हम लोग भाई डालेंगे पहले तो भाई पिलर्स वगैरह उसके बाद डालेंगे भाई नीचे मार्बल्स वगैरह मतलब प्रॉपर प्रोफेशनल काम करना है ना मैं। चलो यार भाई अभी शोरूम बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए अपन लोगों को पिलर क्योंकि भाई घर का मेन हिस्सा होता ही पिलर है। चलो यार यहाँ पर भाई पिलर सर्च करते हैं। ओके तो चलो भाई अभी स्टार्ट करते भाई पिलर से है ना भाई एक पिलर तो चलो यार भाई हमने यहाँ दे दिया भाई स्टार्ट कहाँ से करें बताओ शोरूम में थोड़ी लंबी चौड़ी रखते है ना तो ही तो मजा आएगा। चलो भाई शोरूम भाई अपन लोग यहाँ तक रखते हैं इसका। ओके यही ठीक है हाँ बढ़िया जगह पे ये भाई पिलर लगा दिया हमने। चलो भाई दूसरी जगह ये पिलर डालते हैं अपन लोग बताओ अभी इधर के साइड लगाते हैं भाई ऐसे लगाएंगे ना ताकि रोड वगैरह जाम ना हो बस मेरे को बस इतना चाहिए। ठीक है यहाँ साइड में थोड़ा बहुत पार्किंग स्पेस के लिए रख देंगे। देखो भाई यहाँ भी पिलर एक डाल लिया है। ओके भाई अभी इसके सीधे सीधे भाई पिलर डालते ना बिल्कुल इधर के साइड मस्त। चलो उधर इधर तो एक पिलर डाल दिया अभी इसके साइड इसके भाई सीधे सीधे पिलर डालेंगे अपन लोग ये इधर के साइड रखते हैं प्रॉपर। अरे सही है चलो लो भाई इधर भी दे दिया मतलब भाई टोटल भाई 6 पिलर हमने लगा दिया अभी इतना हमारे लिए साथ भाई सफिशियंट है। चलो तो अभी अपन लोग क्या करते हैं अभी मार्बल का काम करते हैं नीचे मार्बल वगैरह देना पड़ेगा प्रॉपर टाइल्स वगैरह पहले वो देते हैं। चलो भाई अभी मेरे को मिला है एक भाई ये बोर्ड इसको उल्टा देंगे तो ये भाई फ्लोर बन जाएगा देखना मतलब प्रॉपर ब्लैक फ्लोर बनेगी। ओके ये है नीचे देख रहे हो यहाँ पर पिलर वगैरह का भाई सारा कुछ दे रखा है यहाँ पर है ये जमीन तो इसको भाई क्या करना होगा मेरे को भाई उल्टाना पड़ेगा उल्टाने के लिए रुक जाओ। ये लो भाई ये फ्लोर अपनी यहाँ पर रेडी है इस फ्लोर को बस मेरे को इधर नीचे के साइड लगाना है। रुको जाओ पहले इधर इधर के साइड से स्टार्ट करते हैं ना। लो भाई इधर एक फ्लोर हमने लगा दिया ऐसा ही फ्लोर भाई पूरे नीचे में करते हैं और भाई कहीं कहीं पर भाई स्पेशल टाइल्स वगैरह भी देते हैं मार्बल्स वगैरह। भाई आज इस कुर्सी में बैठे बैठे मेरी कमर टूटने वाली है सही बता रहा मैं अभी। चलो यार मतलब ऑलमोस्ट भाई नीचे का तो हमने भाई आगे के मतलब भाई कुछ तो कर लिया ना अभी देखो एक पार्ट हमने भाई फ्लोर पूरा लगा दिया अभी भाई पूरे में लगाना है सोचो कितना ज्यादा भाई काम है। अरे भैया जितना कहना आसान है उतना करना नहीं भाई दिमाग की नसें फट जाती है
इतने में ही सोचो अभी, अभी तो भाई पूरा शोरूम बनाना बाकी है। फ्लोर में ही भाई इतना क्या बताऊं मैं, फ्लोर में ही भाई मेरा दिमाग चटक चुका है। चलो कोई नहीं, लेकिन भाई तुम्हारा भाई हिम्मत नहीं आ रहेगा भाई, जैसे भी मैं तो भाई बना के रहूंगा एक भाई तगड़ा सा शोरूम। एक बार भाई ठान ली तो ठान ली है ना, फिर तो अपन किसी के सुनेंगे नहीं, सीधी बात। सो गाइस यार भाई फाइनली अब भी देखो यार हमारा भाई फ्लोर में बिल्कुल भाई रेडी हो चुका है, वो भी भाई काफी एक घंटे लग गया भाई फ्लोर ही बनाने में। सोच रहे हो मतलब ये वीडियो में कितनी ज्यादा मेहनत लगी भाई, मेरा तो भाई मतलब भाई बदन दर्द करने लगा अभी। ठीक है अभी अपन लोग क्या करते हैं भाई, पहले भाई छत देंगे या फिर साइड साइड का खिड़की, पहले छत ही दे देते ना, उसके बाद साइड में बाउंड्री लगा लेते, पहले छत डाल लेते अच्छे से। और छत अपन लोग कैसा डालेंगे जाओ, छत भाई यहाँ पर ये पिलर वगैरह ब्लैक ब्लैक ही डाले, ब्लैक तो ना डालनी मेरे को, छत डालते हैं कुछ ऐसी है ना, बिल्कुल ये भाई इसको उल्टा करके सेलिंग में डाल देंगे। भी मैंने भाई एक दिमाग भाई क्या लगाया ना, अभी देखो ये छत में अपन लोग ऐसी सीलिंग डालने वाले तो भाई देखने में बढ़िया भी लगेगा, तो उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ ना, पहले इसको अपन लोग हाँ बिल्कुल सीधा करके अभी पहले इस ऐसे स्ट्रेट उसी बराबर साइज में लगा लेंगे, उसके बाद उसको भाई उल्टा करके डायरेक्ट भाई छत के ऊपर डाल देंगे, तो अपने लिए इजी रहेगा। एक एक करके भाई देखते देखते कब तक करोगे, उससे अच्छा भाई एक जगह भाई बढ़िया से सीलिंग बना लेते हैं बिल्कुल जैसे हमने फ्लोर बनाया, और उसी को पलटा के ऊपर के साइड रख देंगे, तो भाई फिर अपना काम भी बन जाएगा। चलो देखता हूँ ट्राई करता हूँ है ना। सो गाइस यार चलो भाई ऑलमोस्ट भाई हमारा भाई कंप्लीट, अभी शायद मेरे को लगता है भाई और एक लाइन ऐसे डाल देंगे ना तो हो जाएगा। ठीक है और एक लाइन में लंबा कर देता हूँ इसको, अभी यहाँ पर थोड़ा मिट्टी के नीचे दब रखा है ना इसलिए वाइट वाइट नहीं दिख रहा है, वरना कुछ ही देर में दिख भी जाएगा। ये देखो अभी कैसे दिख रहा है बाहर निकाल रहा हूँ तो, भाई मेहनत तो भाई मैंने भाई हल्के में ले लिया था भैंस की, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा तबाही निकला। चलो गाइस यार टाइम आ चुका है अभी भाई सीलिंग को भाई उल्टा करने का और डालने का भाई ऊपर, ठीक है ताकि भाई शोरूम भाई खतरनाक दिख सके अपना। ओके अभी इसको मैं थोड़ा ऊपर करूँ, ओके इसको ऊपर कर रहा हूँ तो देख रहे हो ये देखो नीचे से भाई ये प्लेन ब्लैक है, नीचे ब्लैक ऊपर भी ब्लैक अच्छी नहीं लगेगी ना, इसलिए भाई इसको अपन लोग लगाएंगे फ्लोर में, मतलब फ्लोर में बोल रहा हूँ सीलिंग में, ताकि भाई बढ़िया दिखे। अभी इसको भाई उल्टा करना पड़ेगा मेरे को, रुक जाओ। ओके यार गाइस अभी उल्टी तो हो चुकी है, अभी इसको भाई मेरे को जाके लगाना पड़ेगा इसके ऊपर। ठीक है अभी उल्टी हो चुकी है तो इसको लगाने के लिए अपन ओके ओके थोड़ी बहुत इसको इधर उधर रोल, रुक जाओ इसको सीधा करता हूँ ना मैं, इतनी ज्यादा दूर है भाई, आ जाइए जरा आगे आ जाइए भाई। ये लो गाइस यार भाई अभी भाई फाइनली भाई सीलिंग वगैरह थोड़ी हमने भाई रेडी तो कर ली है, अभी देखो यार भाई कितनी ज्यादा मस्त लग रही है यार, अभी इसको जो भाई पूरा बना लूंगा फिर देखना भाई सूरम भाई तुम्हारा भाई कितना मतलब कितना ज्यादा तगड़ी बनाते हम, या फिर भाई मैं सोच रहा हूँ क्यों ना पिलर को चेंज किया जाए भाई, ये सर्कल वाला डाले तो कैसा रहेगा, क्योंकि भाई वैसा तो पिलर भाई सब जगह है, थोड़ा सर्कल वगैरह डालेंगे ना, और ये देखो ये थोड़ा लंबा बड़ा भी है और यूनिक भी है, इसलिए मेरे को थोड़ा ज़्यादा पसंद आया ये। रुक जाओ ये पिलर को हम मिलाते हैं ना, ठीक भाई इसमें ले आएंगे तो अपने लिए भी सही रहेगा। रुक जाओ ये पिलर को हटाते हैं भाई, ये पिद्दी सा पिलर, अभी भाई तू हट, इतना छोटा सा पिलर नहीं चाहिए हमें भाई, कभी क्या बिगड़ रहा है कभी क्या बिगड़ रहा है, देख रहे हो अभी फ्लोर थोड़ा बिगड़ गया था, अभी फ्लोर को मैच कर रहा हूँ भाई फिर से, बताओ ऐसी ऐसी दिक्कतें भी होती है, इतना अब फिर से भाई इधर फ्लोर मेरे को बनाना पड़ेगा यार, क्या बताऊं। चलो यार गाइस अभी भाई फाइनली अभी अपन लोग डालते हैं पिलर, क्योंकि भाई पिलर भाई हमें वो पिद्दी सा पिलर भाई पसंद नहीं आया, अभी दूसरी पिलर डाल रहे हैं ताकि भाई बढ़िया लगे देखने में, और लगे भाई कोई तगड़ी सी शोरूम है, ऐसी वैसी हल्की फुल्की शोरूम ना लगे देखने में है ना, तुम्हारा गणेश भाई ने जो बनाया है।
इसलिए लगनी चाहिए कतई क्लासी, ठीक है। ओके ओके यार गाइस, अभी वह फाइनली बारी आ चुकी है अभी भाई सीलिंग को नीचे करने के लिए, क्योंकि भाई हमने भाई बड़े बड़े भाई पिलर्स चारों तरफ भाई लगा दिया। अभी देखो यार मतलब कितना ज्यादा बढ़िया लग रहा है देखने में भाई, ये हवा में थोड़ी वो लग रही है, रुक जाओ इसको अपन ठीक करते हैं। सो गाइस चलो भाई फाइनली अभी भाई पिलर्स वगैरह हमने भाई चारों तरफ लगा लिए, एंड भाई बारी है अपनी भाई ये थोड़े भाई इसको भाई डाउन करने का है ना, नीचे की तरफ थोड़ा डाउन करते हैं ताकि थोड़ा मतलब, अरे रुक जाओ यार, रुक जाओ इसको थोड़ा नीचे करते हैं, एग्जैक्टली सीलिंग में आके बैठे ना, ये दिखना चाहिए कि हाँ भाई प्रॉपर सीलिंग में बैठी है। आगे इधर भी ठीक है, इधर भी ठीक है, कहीं बाहर ओके भाई, चारों तरफ तो मेरे हिसाब से ओके, पीछे भी भाई परफेक्ट, अब परफेक्ट पोजिशन आई है यार, बहुत ज़्यादा परफेक्ट, पीछे भी अभी परफेक्ट ही बैठा रहा, ओके पीछे भी परफेक्ट है भाई, चारों तरफ परफेक्ट बैठ चुका, मतलब भाई अभी भाई अपना भाई सीलिंग भी हमने लगा लिया, देख रहे हो मतलब भाई तुम्हारा भाई अभी, भाई अभी देखो यार मजा जो है, देखो यार अभी अपन लोग देखो यहाँ पर भाई थोड़ा बहुत रैंप वगैरह लगाना पड़ेगा, मतलब इसको भाई थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा ताकि गाड़ी वगैरह ऊपर चढ़ सके। बाकी पहले भाई हम क्या करते हैं साइड साइड में भाई सारा स्लाइडिंग डोर वगैरह या फिर विंडो वगैरह लगाते हैं, प्रॉपर वॉल क्या लगाए भाई, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ना, बाहर से दिखनी चाहिए भाई अंदर कोई तगड़ी लग्जरियस गाड़ियाँ वगैरह है ना, कुछ ऐसा दिखनी चाहिए। तो इसलिए भाई मैंने क्या किया कि अभी भाई यहाँ पर अपन लोग ट्रांसपेरेंट वाला ग्लास लगाते, वो भाई सबसे बढ़िया ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से। ओके स्लाइडिंग डोर तो भाई मेरे को एक मिली है भाई, ये इतनी छोटी छोटी रहेगी तो चलेगी, देखो ऐसे हो गया कुछ ट्रांसपेरेंट ग्लास, देख रहे हो भाई ऐसा विंडो भाई हमें चारों तरफ लगाना है, सोच रहे हो मतलब भाई कितना बड़ा लफड़ा है भाई। तो यार भाई इतनी देर के मेहनत के बाद चलो एक पैनल तो कंप्लीट हुआ ना, चलो एक भाई धीरे धीरे ऐसे करके हम भाई सारे कंप्लीट कर लेते पहले। तो गाइस यार चलो भाई फाइनली भाई 2 घंटे के बाद देखो यार भाई कितना चीज हमने भाई कर लिया, देखो इधर भाई इधर भी विंडो सारा लगा लिया भाई, डोर पैनल वगैरह मतलब भाई सारा विंडो वगैरह चारों तरफ लगा लिया, मतलब तीन तरफ। अभी भाई बस बाकी रहा अभी मेन एंट्रेंस काम, मतलब भाई बस यार अभी मेन जगह आगे बस लगाना है, आगे विंडो वगैरह लगा देंगे, डोर्स वगैरह लगा देंगे, या फिर आगे भाई थोड़ा ओपन रखे, रुक जाओ मैं सोचता हूँ भाई आगे क्या करते हैं, आगे भाई थोड़ी मतलब अट्रैक्टिव दिखे, गाड़ी वगैरह अंदर बाहर जाने के लिए चाहिए ना, और बताना भाई पीछे भाई क्या करो यार भाई, ये नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लूंगा मैं, पीछे वाले गेट को भाई खोल दे या फिर क्या करे भाई पता नहीं, अभी भाई आगे का अपन लोग कंप्लीट करते हैं ना फटाफट से। ओके ओके गाइस भाई इतना तो हमने कर लिया, चलो यार मतलब अभी शोरूम के अंदर भाई कुछ ऐसा, अभी भाई यहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह लगेंगी, पहले भाई फर्नीचर का काम करते हैं है ना, मतलब भाई देखा जाए तो ये भाई थोड़ा डिसेंट सा अभी हमने बना लिया शोरूम, लेकिन भाई देखो यार भाई कितनी ह्यूज और कितनी ज़्यादा बड़ी है। वैसे इसमें भाई लाइटें वगैरह लगाना अभी बाकी है, वो सारा लगाएंगे हम, पहले भाई क्या करता हूँ मैं फर्नीचर वगैरह सेट करता हूँ, रूम्स वगैरह भाई थोड़ा बहुत मैं पार्टीशन करता हूँ, देखता हूँ भाई क्या कुछ अपना सीन रहता है, ठीक है। चलो भाभी बारी है भाई अपना भाई, ये मतलब रिसेप्शन किधर बनाया, चलो इधर अपन लोग भाई बॉस का ऑफिस किधर रखे, आगे रिसेप्शन हो जाएगा ठीक है, आगे इधर हम भाई रिसेप्शन रखेंगे, मतलब जहां पर लोग अपनी इंक्वायरीज वगैरह पूछेंगे, और बॉस के लिए हम लोग भाई इधर के साइड रखते हैं, क्यों सही रहेगा ना, इधर के साइड रखते हैं मेरे हिसाब से। बाकी डेस्क रुक जाओ एक बार, बढ़िया कंप्यूटर वाला डेस्क ढूंढेंगे हम, थोड़ी लार्ज सी हो, ये है ना थोड़ी तगड़ी डेस्क, रुक जाओ इधर के साइड में रखता हूँ या फिर ऐसे रखू, ओके हाँ ऐसे ही ठीक है मेरे हिसाब से। चलो डेस्क लगा दिया, अभी इधर भाई चेयर वगैरह लगाते मस्त बॉस के लिए, ठीक है बॉस के लिए चेयर वगैरह लगाते, अभी मेरे को चेयर वगैरह लगानी पड़ेगी ना चेयर, ओके भाई कौन सी चेयर लगाए बताओ, थोड़ी बॉस वाली चेयर ढूंढते यार, मतलब थोड़ी फीलिंग आनी चाहिए भाई बॉस की, उसमें ऐसी चेयर ढूंढेंगे हम, रुक जाओ भाई, ओके ये बढ़िया भाई बॉस के लिए भाई एक नंबर कुर्सी लेदर वाली प्रॉपर, भाई देखने से ही भाई थोड़ी मतलब महंगी महंगी लगती है ये, इसलिए मैंने सोचा भाई यही डाल दूं। लो भाई बॉस के लिए ये चेयर तो हो गया अपना, ठीक है ये बॉस का सेक्शन हो गया, इधर भाई साइड में और सोफे वगैरह लगा लेते हैं ताकि, ओके रुक जाओ यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ सोफा इधर, चलो बढ़िया अभी हो गया भाई थोड़ा बॉस वाला
ओहो, एक इंसान पे आके बैठ भी चुका है। वाह, इतनी अभी देखो यार, अभी चेयर वगैरह लगा दी हमने, इधर वो वगैरह लगा दी। चलो भाई, यहाँ का अपना भाई सेक्शन खत्म, ठीक है। बॉस का साइड इधर का, अभी रिसेप्शनिस्ट में जाते हैं। यहाँ रिसेप्शन में, रिसेप्शन में थोड़ा बढ़िया टेबल वगैरह होना चाहिए वहां पर, मतलब कंप्यूटर वगैरह होना चाहिए, और क्या है ना। ये लगा देते पहले, टेबल तो नहीं लेकिन चेयर मिल गया भाई बढ़िया वाली, इधर चेयर रख देते है ना। ओए लेकिन आगे भाई थोड़ी गाड़ियां वगैरह रहेंगी भाई, आगे ही कैसे रिसेप्शन रखते हैं, थोड़ा हटके रखते हैं इधर के साइड है ना, आगे थोड़ी गाड़ी रखते हैं, इधर रिसेप्शन का रख देते हैं यहाँ पर। बिल्कुल एकदम सही, मैं क्यों ना सोच रहा हूँ गाइस ये वाला टेबल रखते यार, ग्लास की प्रॉपर है ना। देखो ये सही है भाई मेरे हिसाब से भाई ये टेबल, चलो यही रख देते हैं। और यहाँ पर कुछ कंप्यूटर वगैरह रख देते, ऊपर हम पर्सनली रख देंगे ना, क्या दिक्कत है। ये लो मस्त भाई, एक कंप्यूटर इधर रख दिया मस्त। अभी यहाँ पर भाई कुछ यहाँ पर गाड़ी वगैरह का रख देते, रुक जाओ। चलो भाई प्रिंटर भी अपने डेस्क में आ गया, चलो सही है, इतना आ गया ना। चलो प्रिंटर वगैरह आ गया, इधर ये आ गया, डेस्क वगैरह हमने बना लिया। चलो ये तो सेक्शन हो गया, अभी आगे यहाँ पर मस्त भाई सोफे वगैरह लगाते हैं, ताकि मतलब बढ़िया से कस्टमर वगैरह बैठ सके, अपना बातचीत कर सके। अभी हम भाई यहाँ लॉन्ग सोफा ही लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा लोग रहेंगे तो अपन लोग लगाएंगे थोड़ा लंबा बढ़िया वाला सोफा इधर के। हाँ चलो ये बढ़िया सोफा इधर लगा दिया, और बाकी ओके यहाँ पर कुछ ऐसा कलर का है, रुक जाओ यहाँ पर भी लगाते हैं ना। लो जी भाई, अभी इधर मस्त सोफा रिसेप्शन वगैरह का, इधर हमने भाई रिसेप्शन का सेक्शन बना दिया, मतलब भाई जितने भी कस्टमर्स वगैरह होंगे वो यहाँ पर आके अपनी भाई इंक्वायरी वगैरह करेंगे ऐसा कुछ। चलो भाई ये सही है, ये सेक्शन हमने भाई सही बना दिया। अभी बढ़ते हैं भाई किधर, थोड़े बहुत इधर तो भाई हम लोग भाई सेलिंग रखेंगे भाई, थोड़ी बहुत भाई रिपेयरिंग वगैरह का भी सामान रखते हैं साइड में, ताकि मतलब भाई थोड़ा सा ही रहे ना रिपेयरिंग वगैरह के लिए। रुक जाओ गैराज। चलो भाई अभी एक हमने भाई यहाँ पर ये मैकेनिक का लगा दे, जिसमें रिंच वगैरह भाई सारा उसका सामान वगैरह होगा, जिसमें वो रिपेयरिंग वगैरह करेगा अपना। बाकी अभी लगाता हूँ मैं एक भाई गाड़ी वगैरह, बस एक ही करना है हमें, क्योंकि भाई ज़्यादातर हम भाई यहाँ गाड़ियाँ बेचेंगे ना कि रिपेयर करेंगे, ठीक है। ये अपना प्रॉपर भाई शोरूम है। चलो अभी इधर के साइड रख दिया हमने एक, लो इधर के साइड एक हमने रख दिया भाई, देख रहे हो यहाँ गाड़ी वगैरह रिपेयर करने के लिए। इधर भी एक रख दे क्या, चलो इधर रेड वाली रखते हैं ना थोड़ा। ओके भाई यहाँ पर गाड़ी वगैरह के पार्ट्स वगैरह के साथ भी है, चलो इसको अपन लोग रख देंगे इधर के साइड। ये लो जहाँ पर गाड़ी वगैरह के थोड़े बहुत पार्ट्स वगैरह होंगे, चलो सही है, एक इधर लगा देता हूँ मैं। ओके चलो भाई दो दो अपने भाई ये हो गया अपने भाई थोड़ा इधर रिपेयरिंग वगैरह का सेक्शन, और आगे भाई सारी गाड़ियाँ वगैरह लगेंगी इधर के साइड। चलो भाई ये सही है, इधर रिपेयरिंग वगैरह का रख दिया। अभी थोड़ा बहुत मैं देखता हूँ और क्या क्या रह गया, और यहाँ पर भाई थोड़े बहुत आगे डेकोरेशन वगैरह भी करने पड़ेंगे ना हमको। इधर के साइड रुक जाओ, रखता हूँ मैं भाई बढ़िया वाला, रुक जाओ ना, थोड़ा ग्रासेस वगैरह रखते भाई, जो कि थोड़ा देखने में तगड़ी लगे अपने शोरूम के आगे, है ना, ऐसी रखेंगे। मेरे को तो भाई बढ़िया यही लग रही है अभी फिलहाल तो, चलो फिलहाल के लिए यही रख देते हैं। या चलो दोनों साइड, अरे उधर फिर गाड़ियां वगैरह डिस्टर्ब तो नहीं होगी ना, नहीं होनी चाहिए। ओके चलो दोनों साइड हमने भाई रख दिया है, ओके बढ़िया। अभी कुछ प्लांट्स वगैरह भी लगाते हैं ना थोड़ी, मतलब भाई सबको नेचुरल वाइब आए इधर के साइड। लो इधर प्लांट डाल दिया, एंड रुक जाओ इधर भी प्लांट डाल देते हैं, ताकि साइड में हैं बढ़िया लगे। इसको अपने शोरूम के ठीक आगे लगा देगा इधर, हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ी सही सी लग रही है भैंस की, है ना, इधर के साइड है अभी थोड़ी बढ़िया लग रही है। चलो एक नंबर भाई,
इधर के साइड खाली छोड़ते क्योंकि भाई ये मेन एंट्रेंस है ना, यहाँ से दिखनी चाहिए कोई, मैं नहीं चाहता कोई ट्री वगैरह कुछ ब्लॉक करे इधर। ओके एंड यार गाइस वे फाइनली देख रहे हो इधर का अपना भाई थोड़ा बहुत भाई सेक्शन कंप्लीट हुआ। अरे आगे तो रह गया ना भाई अपना, आगे इधर लगाना होगा कुछ रैंप जिसपे भाई गाड़ी वगैरह आराम से चढ़ सके। और यहाँ पर देखो मैंने भाई कैसा भाई कारपेट लगा दिया, थोड़ी मतलब भाई बढ़िया देर लगती है ना देखने में ये वाली कारपेट। अभी भाई थोड़ा बहुत रैंप लगाते आगे थोड़ी प्रोफेशनल लुक के साथ। चलो भाई अभी थोड़ी बहुत तो भाई चलो यार अभी बस यहाँ पर भाई थोड़ा लेवल मिलाना मेरे को इसका। ओके डन है क्या? चलो भाई इतना तो भाई मेरे हिसाब से चलता ही है, फिर भी थोड़ा बहुत रुक जाओ मैं देखता हूँ। ओके चलो यार गाइज भाई फाइनली देखो गाइज भाई तुम्हारे भाई ने इतना बड़ा भाई शोरूम बना दिया, मतलब भाई देख रहे हो अभी अंदर भाई मस्त गाड़ियाँ वगैरह पार्क होगी भाई सारा कुछ। अगर इस शोरूम में भाई कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो मेरे को बताना। बाकी देखो यार इतना भारी बैग बोक रखा है हमने, पैसे वगैरह भाई थोड़े पड़े हैं ना अपने पास। और भाई चलो यार अभी भाई ये LC टेस्ट कर देना भाई इसका, भाई देखते कहीं पर गाड़ी वगैरह ठुकती है या फिर क्या सीन है। ओके भाई लेकिन ये LC मस्त है भाई चलाने में, भाई ये फेस में जो मास है ना इसके वजह से थोड़ा ब्लर ब्लर आ रहा है। बाकी देखो यार कितनी प्यार से भाई गाड़ी आ जा रही है भाई, कहीं पर भी गाड़ियाँ वगैरह डाल दो मस्त यहीं डाल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई भाई भाई, किधर भी गाड़ी ले जाओ। अभी देखो भाई इधर आराम से पार्क कर दो, देख लो शोरूम में ऐसे भाई गाड़ी लग जाएगी मस्त अपनी, देख रहे हो भाई क्या ही तगड़ी लग रही है भाई। ऐसे रुक जाओ मेरे को भाई अभी गाड़ी वगैरह लगा लेते, कुछ मैं गाड़ी वगैरह स्पॉन कर लेता हूँ, चलो फिर अपन लोगों को दिखाते हैं ना प्रॉपर भाई शोरूम, फिर मजा आएगा आपको देखने में। तो चलो यार गाइस अब देखो यार अब भाई कैसी लग रही है शोरूम ये बताओ भाई। देखो यार भाई ढेर सारी भाई गाड़ियां शोरूम में अपनी, जी वैगन से लेके भाई हर चीज, फॉर्च्यूनर जी वैगन बहुत सारी भाई गाड़ियां। देखो यार हमने भाई खुद से भाई ये शोरूम अभी अभी भाई आपके आंखों के सामने बनाया भाई, देख रहे हो भाई कितनी ज्यादा भाई तगड़ी लग रही है। एंड भाई चलो यार कमेंट में आप लोग भाई रेटिंग दो इस शोरूम के, भाई कितना रेट करोगे ठीक है, और भाई कुछ मिस हो गया तो भाई कमेंट में बता देना। बाकी भाई आज की वीडियो के लिए इतना यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भाई कर दो यार, इतनी ज्यादा मेहनत जो लगी है लिटरली। अभी तो मैं जाऊँगा भाई मस्त भाई जी वैगन चलाते, एंड भाई ग्रैंड आरपी की हमारी वीडियो भाई बहुत ही जल्दी आने वाली है ठीक है। एंड भाई 10K सब्सक्राइबर तो भाई कंप्लीट करवा दो यार अब तो। चलो यार भाई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।